हेलो एवरीवन, सीमा हियर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्ट्रॉबेरी लेग से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। पहला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी कि आप किचन से ही, आपको सारी चीज़ों से ही आपका स्ट्रॉबेरी लेग चला जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने लिया है 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और मैंने वार्म वाटर लिया है, गरम पानी। गरम पानी को ज़्यादा नहीं लेना है, गुनगुना करके लेना है। और हमें बेकिंग सोडा में गरम पानी मिक्स करना है और उतना ही गरम चाहिए जितना कि हमारा बेकिंग सोडा एक पेस्ट जैसा बन जाए। पानी अगर ज़्यादा है उसी हिसाब से आपको बेकिंग सोडा लेना है। मैंने लेग के लिए, पैर के लिए बना रही हूँ, आपको उसी हिसाब से लीजिए। मैं 1 टेबल स्पून में 1 टीस्पून पानी लीजिए और 2 टेबल स्पून में 2 टीस्पून पानी लीजिए ताकि एक पेस्ट जैसा बन जाए। और इसको गर्म पानी में ही, वार्म वाटर में ही लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसे कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे मसाज करना है। आपको इसे अपने लेग पे अच्छी तरह से मसाज करना है और कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके लेग पे कैसे इसे मसाज करना है। ये देखिए, मेरा पेस्ट तैयार हो गया और इस ऐसा ही दिखना चाहिए। इस तरह से आपका पेस्ट ऐसा ही दिखना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, अपने पैर पे पहले आप सूखे पैर पे, सूखे स्किन पे नहीं लगाना है। फ्रेंड्स, पहले आप अपने पैरों पे अच्छे से, पैरों पे स्किन को गीला कर लीजिए। अपने स्किन को पहले गीला कर लीजिए, अच्छी तरह से पानी डाल लीजिए अपने स्किन पे ताकि गीला हो जाए। फिर इस पेस्ट को ऐसा दिखिएगा ये पेस्ट। फिर इस पेस्ट को ऐसे राउंड एंड राउंड मसाज करना है और मसाज करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही आपको छोड़ देना है। जब 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, आफ्टर 15 मिनट के बाद आपको फिर इसे पानी से धो देना है मसाज करते हुए, और उसके बाद क्रीम लगा देना है, अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगा देना है और हफ्ते में 2 बार करना है। फिर आपका स्ट्रॉबेरी लेग की प्रॉब्लम जो है चला जाएगा। डेड स्किन, स्ट्रॉबेरी लेग और वाइटनिंग आपका आ जाएगा, वाइट स्क्रीन, आपकी स्किन वाइट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप ध्यान दें, आपका स्किन वाइट हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रोसेस करना है। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से राउंड और राउंड मसाज करते रहिए और करके आपको 15 मिनट तक छोड़ देना है। और 15 मिनट के बाद, जब 15 मिनट हो जाए, तो इसे नॉर्मल पानी से आपको धो देना है और धोने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगा देना है। फ्रेंड्स देखिए, 15 मिनट हो गया और अब मैं इसको साफ कर दूंगी, पानी से धो दूंगी, धो के मॉइस्चराइजर लगा दूंगी। फ्रेंड्स देखिए, ध्यान से वीडियो को और फॉलो करिए, और मैं सेकेंड ऑप्शन भी बताऊंगी कि सेकेंड ऑप्शन क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपका स्ट्रॉबेरी लेग से प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे और आपकी डेड स्किन चली जाएगी और आपका स्किन वाइटनिंग होएगा, ग्लो आएगा, फेयरनेस होएगा और आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपका हर प्रॉब्लम से सलूशन मिलेगा और आपको
इसके बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाइएगा, मॉइस्चराइजर लगाना ना भूले, और आपको हफ्ते में 2 बार करना है, वीक में 2 टाइम। सो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए और वीक में 2 टाइम करिए। सो और सेकेंड ऑप्शन भी मैं बताऊंगी, मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स मैं सेकेंड ऑप्शन बताऊंगी। आपके किचन में ही सारे चीजें होते हैं पर हमें मालूम नहीं होता है। मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, और हमें चाहिए एप्पल साइडर विनेगर। सो मैं 1 टेबल स्पून लूंगी एप्पल साइडर विनेगर। सो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए और इस वीडियो को और फॉलो करिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि ये स्क्रब है और होममेड स्क्रब है। ये ऑर्गेनिक स्क्रब आप घर पे ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा जो स्क्रब है ये डेडी स्किन रिमूव करता है, और सो फ्रेंड्स हमको ज़्यादा लगाना है, हमें ज़्यादा हैंड के लिए भी अगर आप बनाते हो और लेग के लिए तो आप ज़्यादा क्वांटिटी लेना होगा। मैंने मेरे को हैंड और लेग के लिए ही चाहिए, सो मुझे इसीलिए 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, मैंने 1 टेबल स्पून और लिया तो मैंने 3 टेबल स्पून लिया। सो फ्रेंड्स और मुझे इसके लिए मैं इसके बाद ऐड करूँगी कॉफ़ी पाउडर। सो थर्ड वन मैं इसमें डालूंगी कॉफी पाउडर। पहला मैंने ब्राउन शुगर लिया, एप्पल साइडर विनेगर लिया, थर्ड वन कॉफी पाउडर मैंने लिया। सो फ्रेंड्स ये जो है कॉफी पाउडर से हमारी स्किन में ग्लो आता है, एकदम स्किन हमारी ग्लो होती है, वाइट होती, वाइटनिंग होती है, स्किन ग्लो आता है। और एप्पल साइडर विनेगर से है जो हमारा स्किन, हमारे जितने प्रॉब्लम होते हैं डेड स्किन होती है और डार्कनेस होता है, डार्कनेस एकदम से डार्क स्पॉट वगैरह सब चला जाता है। और ब्राउन शुगर से जो होता है हमारा स्क्रबिंग का काम होता है। सो फ्रेंड्स और मैं फोर्थ वन डालूंगी, ये होममेड एलोवेरा जेल है, मैंने एलोवेरा जेल क्यूब से निकाल के घर पे बना के रखा है। सो फ्रेंड्स मैं 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड करूंगी, ये होममेड जेल है। सो फ्रेंड्स एलोवेरा जेल से हमारी स्किन स्मूथ एंड शाइन रहती है और डार्क स्पॉट वगैरह चला जाता है। और मैं फिफ्थ वन मैंने डाला जोजोबा ऑयल। सो फ्रेंड्स जोजोबा ऑयल से हमारे जो पोर्ज ओपन रहता है उसको लॉक करता है और एकदम स्मूथ बनाता है, एकदम मॉइस्चराइजिंग करता है। सो जोजोबा ऑयल से हमारे पोर्ज को लॉक करता है और स्मूथ बनाता है, एकदम स्मूथ हमारे स्किन को स्मूथ बनाता है। सो फ्रेंड्स ये स्ट्रॉबेरी लेग के लिए हमने रिसर्च भी किया है और हमने ये मैंने मेरे कस्टमर पे और मेरे स्किन पे और मेरे कस्टमर पे मैंने ऑलरेडी इसको यूज कर चुकी हूँ। इसके बाद में वीडियो को शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रॉबेरी लेग का आप ऑप्शन बताओ, वीडियो शेयर करो। सो मैं इसलिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए हैं कि आप स्ट्रॉबेरी लेग का वीडियो शेयर करो। अब इसे कैसे लगाना है आप ये ध्यान से देखिए। इस स्क्रब को अपने लेग पे पैरों पे आप ऐसे आप थोड़ा थोड़ा लेके राउंड एंड राउंड आपको लगाते जाना है, मसाज करते जाना है। आपको स्क्रब लेके राउंड एंड राउंड आपको राउंड राउंड में आपको मसाज करते रहना, ये एक ऑर्गेनिक स्क्रब बन जाएगा जिससे हमारे स्ट्रॉबेरी लेग तो जाएंगे जाएंगे, हमारी डेड स्किन चली जाएगी, रिमूव होएगी और हमारी स्किन एकदम
ग्लो होएगा, डार्कनेस जाएगा, डार्क स्पॉट जाएगा और हमारी स्किन स्मूथ एंड शाइन होएगा। सो फ्रेंड्स, ये आप घर में किचन में ही हमारी चीज़ें होते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें कितने अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं विदाउट एनी केमिकल। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको मिनिमम 5 मिनट कम से कम आपको मसाज करना है, अगर फुल लेग अप करते हैं तो 10 मिनट मसाज करना है। उसके बाद अच्छी तरह से इसे आप धो के वॉश करिए नॉर्मल पानी से, फिर मॉइस्चराइजर क्रीम लगाइए, आप जो भी क्रीम लगाते हैं, और ड्राई स्किन का क्रीम लगाना है, अच्छे से ड्राई स्किन का क्रीम लगाना है। सो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही बेनिफिट्स है। सो आप अगर इसे यूज किए तो आपको मार्केट में कोई भी स्क्रब नहीं खरीदना पड़ेगा, आप इतने स्ट्रॉबेरी लेक के लिए इतने ही आप मनी वेस्ट करते हैं, इतने चीज़ें यूज करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और आपको हफ्ते में 2 बार करना है, वीक में 2 टाइम्स। सो फ्रेंड्स, हफ्ते में 2 बार करना है, वीक में 2 टाइम्स। फिर आपको कभी भी, मेरी गारंटी है, कभी भी आपको स्ट्रॉबेरी लेग नहीं होगी, स्ट्रॉबेरी लेग के प्रॉब्लम से आप छुटकारा हो जाएगा। और बट आपको हफ्ते में 2 बार करना है, डेफिनेटली आपको 2 टाइम्स, वीक में 2 टाइम्स करना है। सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, आपको जैसे जैसे मैंने करके बताया सेम प्रोसेस में आपको करना है। सो आपको इसी प्रोसेस में करेंगे, आपकी स्किन आप देखिए 2 टाइम करने के बाद, 2 से 3 टाइम करने के बाद आप देखिए आपकी स्किन एकदम बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगी। फर्स्ट टाइम करने के बाद एकदम डिफरेंट दिखाई देगी, सेकेंड टाइम करने के बाद एकदम स्किन एकदम वाइटनेस आ जाएगा, एकदम स्किन आपकी वाइट हो जाएगी और जो भी है स्ट्रॉबेरी लेग आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब भी आप करें, आप अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करें, जब भी आप स्क्रबिंग करें, ये होममेड स्क्रब, उसके बाद अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगा लें अपने पूरे स्किन को और उसको छोड़ दें और नॉर्मल रहने दें। सो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो जो है बहुत ही रिक्वायरमेंट आया था, हमारे सारे कस्टमर काफ़ी स्ट्रॉबेरी लेग से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो बोल रहे थे कि हमें वीडियो शेयर करो स्ट्रॉबेरी लेग का, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है और होता क्यों है, मैंने ये प्रॉब्लम भी बताना है मुझे। ये हमारे जो है एंटी इन्फेक्शन जो है आपको उसके वजह से होता है, स्किन ड्राइनेस के वजह से होता है, स्किन आपकी ड्राई होती है उसके वजह से स्ट्रॉबेरी लेग होता है। और आप अगर खाने पीने में चेंज होता है उसके वजह से होता है, और वेदर चेंज होता है इसके वजह से भी ये स्ट्रॉबेरी लेग होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने लेग का तो आपको बता दिया है, और ये स्क्रब क्या नेचुरल एंड ऑर्गेनिक होता है, तो इससे क्या है पूरे स्किन आपकी वाइटनिंग एंड डेड स्किन भी रिमूव करता है, इसीलिए आप ये पूरे बॉडी में स्क्रबिंग कर सकते हैं तो आपकी स्किन एकदम स्मूथ एंड शाइन और ग्लो दिखेगी। इसके लिए आप इस स्क्रब को कहीं भी लगा सकते हैं, हैंड, लेग, बॉडी, एनीवेयर, कहीं भी आप लगा सकते, पूरे बॉडी पे लगा सकते। इसीलिए मेरा वीडियो लेने वाला कोई नहीं था और मुझे मुश्किल हो रही थी, इसीलिए मैंने सिंक में हैंड का वीडियो, हैंड पे मसाज करके मैंने आपको वीडियो लेके शूट करके दिखाई हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने हैंड पे भी आपको लगा के दिखाया, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, हैंड, लेग और आप बॉडी पे, इससे स्किन एकदम स्मूथ, ग्लोइंग स्किन एकदम स्मूथ। अच्छी तरह से आप मसाज करिए पूरे स्किन, बॉडी, स्टमक, बैक, एनीवेयर, कहीं भी स्क्रबिंग करिए अच्छी तरह से, और आप वॉश कर दीजिए और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। हफ्ते में 2 बार आप पूरे बॉडी पे भी लगा सकते हैं, इससे आपकी स्किन एकदम स्मूथ, शाइन एंड ग्लो
और आपको कहीं भी डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है तो चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप करिए, दो हफ्ते में दो बार लगाइए। आपको स्किन पे कोई भी बाहर का स्क्रब या बाहर का चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्गेनिक रहेगा और आपका किचन में ही मिल जाएगा। और इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, और एक बार आप लगाइए फिर आपको समझ में आएगा। मैं काफी लोगों को कर चुकी और मैं अपने पे भी कर ली और करती हूँ, क्योंकि ये काफी इसका रिजल्ट अच्छा है और बेनिफिट्स है। तो फ्रेंड्स, और भी कोई पार्लर से रिलेटेड वीडियो बनाना हो और आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, और रिक्वायरमेंट हो कोई अलग वीडियो तो भी बताना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके बताना, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है और आपके कमेंट का हमें बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाह रही हूँ, देखिए हमारे हैंड को आप एक बार ध्यान से देखिए, मैंने स्क्रब करने से पहले मेरी हैंड कैसे दिख रहे थे, मेरे हाथ कैसा ड्राइनेस और बेजान का दिख रहा था, और अभी मैंने मसाज बस खाली 2 से 3 मिनट मैंने खाली हाथों को मसाज किया और अभी मेरे हाथों को आप देखिए कितने अच्छी तरह से स्मूथ एंड साइन, एकदम डिफरेंट उसमें जान दिख रहा है, एक अलग सा स्किन में साइन दिख रहा है। इसके बाद हमें खाली बस एक मॉइस्चराइजर लगा लेना है, बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये आपका ऑर्गेनिक स्क्रब घर पे ही बन जाएगा और इसका आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, देखिए मेरा कितना अच्छा साइनिंग आने लगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरा रिजल्ट है, बाय, देखिए कितना सुंदर।